हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सहस ऑफ सॉल्यूशंस पर। और आप देख रहे हैं हमारा एंगुलर 9 का फुल ट्यूटोरियल सीरीज। दोस्तों, जैसा कि इस सीरीज के पिछले वीडियो में हमने कस्टम पाइप के बारे में देखा, हमने ये देखा कि हम अपना कस्टम पाइप कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे यूज करते हैं, उसको हमने विद डिटेल्स एग्जाम्पल के साथ देखा। और आज दोस्तों आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें हम ये देखेंगे कि राउटिंग क्या होता है, राउटिंग का कंसेप्ट क्या होता है, हम क्यों यूज करते हैं राउटिंग, और राउटर क्या होता है। इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में डिटेल्स में देखेंगे। दोस्तों, राउटिंग एक बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है, इसलिए हम पार्ट बाय पार्ट करके देखेंगे इस सीरीज में। अभी हम बेसिक चीज़ें देखेंगे, फिर आने वाले वीडियोज में हम एडवांस लेवल की भी बातें करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, राउटर कन्फिगर करेंगे, सब कुछ करेंगे इस वीडियो सीरीज में। तो दोस्तों, ये राउटिंग का ये पहला पार्ट है, इसमें हम राउटिंग के बारे में बेसिक चीज़ें देखेंगे। उसके बाद आने वाले वीडियो में एक राउटर वर्क कैसे करता है, इन सारे चीज़ों को हम डीपली देखेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आप रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल की आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि मैं जैसे ही कोई नया वीडियो डालूँ तभी आपको नोटिफिकेशन मिले और आपको तुरंत लेटेस्ट वीडियो मिल जाए। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को, देखते हैं कि राउटिंग का क्या कंसेप्ट होता है एंगुलर के अंदर, क्यों राउटिंग इतना इम्पोर्टेंट है, मीन्स कि राउट विदाउट राउटिंग हम क्यों एंगुलर एप्लीकेशन की कल्पना नहीं कर सकते, राइट। तो दोस्तों, देखते हैं हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में इस राउटिंग के कंसेप्ट को। तो दोस्तों, राउटिंग एक मैकेनिज्म है जिसके हेल्प से हम अपने एंगुलर एप्लीकेशन में एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पर नेविगेट करते हैं, और ये करता कौन है, राउटर करता है, मींस कि राउटर हमें नेविगेट करता है एक पेज से दूसरे पेज पर, और इस मैकेनिज्म को हम राउटिंग बोलते हैं, राइट। तो राउटर क्या है, इसको भी हम इस वीडियो में के लास्ट में देखेंगे, राउटर हो क्या है और राउटर क्या क्या अलाउ करता है, राइट। तो दोस्तों, एंगुलर फ्रेमवर्क क्या करता है, मेनली हमें एसपीए पर फोकस करता है, राइट। एसपीए का फुल फॉर्म होता है दोस्तों सिंगल पेज आर्किटेक्चर, मीन्स कि इसमें एक सिंगल एचटीएमएल पेज होता है जो कि यूजर के रिक्वेस्ट पर डायनेमिकली कंपोनेंट या पेज को लोड और अपडेट करता है, राइट। मीन्स कि दोस्तों, जैसे ही यूजर रिक्वेस्ट करता है, किसी लिंक पर क्लिक करता है, तो उस लिंक से रिलेटेड कंपोनेंट को डायनेमिकली रिप्लेस कर देता है, लोड कर देता है विदाउट पेज लोड, राइट। मीन्स कि पेज एक ही होता है जो आपके स्क्रीन पर दिखेगा, एंगुलर एप्लीकेशन का पेज, वो पेज एक ही होगा, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। मीन्स कि दोस्तों, एंगुलर एक कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर है, इसमें कंपोनेंट ही होते हैं बहुत सारे, इसमें पेज नहीं होता है, सिंगल पेज होता है, उसमें कंपोनेंट्स होते हैं। जिस लिंक पर हम क्लिक करते हैं, यूजर क्लिक करता है, तो राउटर क्या करता है दोस्तों, उस कंपोनेंट को लोड कर देता है आपके पेज पर, राइट, विदाउट पेज लोड। मीन्स कि आपका पेज लोड नहीं होगा, आपका ब्राउजर रिफ्रेश भी नहीं होता, और आपका जो कंपोनेंट होता है वो लोड हो जाता है। यही राउटर और एंगुलर का ब्यूटी है, राइट। दोस्तों, ये हमें अलाउ करता है स्टेट मैनेज करने का, मेंटेन करने का, मॉड्यूल इंप्लीमेंट करने का, या फिर मॉड्यूल बेस्ड को मॉड्यूल को लोड करने का, राइट। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि एंगुलर क्या है, कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर है, और इसको लोड करने के लिए हमें राउटर की जरूरत होती है, राइट। तो दोस्तों, जैसे ही कोई यूजर किसी लिंक पर क्लिक करता है, तो राउटर क्या करता है कि राउट्स एरे के अंदर जाकर उसके यूआरएल या उसके पाथ को सर्च करता है, राइट। तो दोस्तों, यहाँ पर एक नोटिस करने वाली बात है कि दूसरा कीवर्ड आ रहा है, राउट्स एरे, राइट। मीन्स कि दोस्तों, आप इस चीज को नोटिस करेंगे, आप नोट कर लेंगे, क्योंकि ये चीजें हम आगे जब एडवांस लेवल की बात करेंगे तो ये चीजें वहां पर आपको मिलेगा, राइट। अभी मैं आपको बेसिक चीजें समझाते जा रहा हूँ, ताकि आपको ये माइंड में रहे कि राउट्स एरे भी होता है। मीन्स कि जब भी दोस्तों राउटर कन्फिगर करते हैं, तो वहां पर राउट्स एरे बनता है, और उसमें सारे कंपोनेंट का पाथ कन्फिगर होता है, और जैसे ही यूजर किसी लिंक पर क्लिक करता है, तो राउटर उस राउट्स एरे के अंदर जाकर उस पाथ को सर्च करता है, और जैसे ही वो पाथ मिलता है, वहां उसको नेविगेट कर देता है यूजर को, राइट। तो
क्योंकि ये कंपोनेंट होता है, यहाँ पर कोई पेज नहीं होता है, यूआरएल नहीं बनता, इसलिए हमारा यहाँ पाथ बनता है कंपोनेंट का। और यही ब्यूटी होता है राउटर का कि उसको वहाँ पर सर्च करके आपको नेविगेट कर देता है। राइट दोस्तों, इसमें सिंगल पेज असेंबली होता है जो कि बहुत सारे व्यू और स्क्रीन्स होते हैं जिस पर हमें नेविगेट करना होता है, कम्युनिकेट करना होता है विद द हेल्प ऑफ राउटर। राइट राइट और इस मैकेनिज्म को हम राउटिंग बोलते हैं। राइट दोस्तों, अब यहाँ बात आती है कि वाई राउटिंग, तो इसका भी आंसर आपको आई थिंक मिल चुका होगा हमारे इस वीडियो में, क्योंकि हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया कि ये सिंगल पेज असेंबली होता है, यहाँ पर कोई पेज नहीं होता है, कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर होता है, इसमें कंपोनेंट को नेविगेट करना होता है, यहाँ पर ये पेज नहीं होता है। जैसा कि आपको हमने पहले वीडियो में बता रखा है कि इसका बाय डिफॉल्ट पोर्ट होता है 4200, मीन्स कि HTTP/localhost और :4200 ये URL बनता है। राइट यहाँ पर जैसे ही आप उसके स्लैश करके लॉगिन डालेंगे तो उसको आइडेंटिफाई नहीं करेगा एंगुलर, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई URL नहीं बनेगा, कोई पेज नहीं है कि आपको उस पर रिडायरेक्ट कर देगा, यहाँ पर कंपोनेंट होता है। तो कंपोनेंट को नेविगेट करने के लिए हमें राउटर की जरूरत होती है। राइट तो उसी को हम राउटिंग बोलते हैं, इस मैकेनिज्म को राउटिंग बोलते हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं दोस्तों, जब हम एडवांस लेवल में बात करेंगे तो वहां पर जब प्रैक्टिकल हम करने लगेंगे तब आप को इसका कंसेप्ट और क्लियर होगा। राइट जैसे कि मोस्ट वेब एप्लीकेशन में होता क्या है दोस्तों, को वहां पर यूआरएल्स होते हैं, पेज होते हैं, और उसको हम किसी क्लिक पर बाइंड करते हैं, उस पर क्लिक करते हैं, उस पेज पर हम रिडायरेक्ट हो जाते हैं। बट यहाँ पर तो पेज होता ही नहीं है, यहाँ पर सारे कंपोनेंट होते हैं, तो कंपोनेंट को हमें डायनेमिकली लोड और अपडेट करना होता है, तो इसलिए हमारा यहाँ पर राउटिंग सीन में आता है। राइट तो दोस्तों, अब बात आती है कि राउटर क्या है फिर, मीन्स कि इतना वर्क कैसे होता है। तो दोस्तों, राउटर एक लाइब्रेरी है, राउटिंग लाइब्रेरी है ऑफिशियल, जो कि एंगुलर के कोर टीम ने लिखा है और इसको मेंटेन करते हैं। राइट मीन्स कि एंगुलर टीम ने एक लाइब्रेरी बना रखा है, मीन्स कि सेट ऑफ कोड्स है ये राउटिंग नेम से। राइट तो उस किसने लिख रखा है, एंगुलर टीम ने, इसको हम यूज करते हैं। जब भी हमें किसी एप्लीकेशन में जब राउटर को यूज करने की जरूरत होती है दोस्तों, तो वहां पर हम इसको इंपोर्ट करते हैं, जो कि @angular/router पैकेज के अंदर होता है। राइट तो जैसे ही हम मान लो दोस्तों, हमें किसी एप्लीकेशन में राउटर को यूज करना होता है, तो वहां पर हम ऊपर में उस कंपोनेंट पर लिखते हैं इम्पोर्ट राउटर फ्रॉम @angular/router। तो इसके बहुत सारे मेथड और फंक्शन होते हैं, अलग अलग यूज के लिए अलग अलग चीजें हमें इंपोर्ट करना होगा, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको वहां पर दिखेगा। राइट तो ये आपको यहाँ पर याद करना होगा कि इसका जो मेन रूट होता है, मेन पैकेज होता है, राउटर होता है @angular के अंदर। राइट मीन्स कि ये सिस्टम डिफाइंड है, आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं होती है, जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं सारे राउटर की लाइब्रेरी में लिखे हुए हैं, सिस्टम इनबिल्ट है। राइट और दोस्तों, राउटर क्या करता है कि हमारे सारे कंपोनेंट को जो कि नेविगेट के लिए यूज होने वाले हैं सबको एक्टिवेट कर देता है, और हमारे यूजर को नेविगेट कर देता है एक पेज से दूसरे पेज पर विदाउट पेज रीलोड। मींस कि दोस्तों, ये ब्यूटी है एंगुलर का कि जैसे ही आप किसी लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपका पेज रिफ्रेश हो जाए, पेज विदाउट रिफ्रेश किए हुए आपका कंपोनेंट लोड हो जाता है, मींस कि पेज आपका रीलोड नहीं होता। राइट और दोस्तों, राउटर करता क्या है कि आपके ब्राउजर के हिस्ट्री को भी अपडेट कर देता है, ताकि अगर यूजर बाय चांस बैक करता है ब्राउजर को तो उसको पिछले वाला पेज या कंपोनेंट दिखे। राइट तो ये राउटर का ही वर्क है। राइट तो दोस्तों, आगे हम देखते हैं कि राउटर हमें क्या क्या अलाउ करता है। राइट राउटर हमें अलाउ करता है कि रिडायरेक्ट ए यूआरएल टू अनदर यूआरएल, रिजॉल्व डाटा बिफोर ए पेज इज डिस्प्लेड, अगला होता है रन स्क्रिप्ट्स व्हेन ए पेज इज एक्टिवेट और डीएक्टिवेट। राइट और अगला है दोस्तों, लेजी लोड पार्ट ऑफ आवर एप्लीकेशन। लेजी लोड का भी कंसेप्ट दोस्तों एंगुलर राउटर के अंदर ही आता है, जब हम राउटर को एडवांस लेवल में देखेंगे तो वहां पर लेजी लोड का भी कंसेप्ट आएगा। लेजी लोड के बारे में भी हम वीडियो बनाएंगे एंगुलर 7 के अंदर, उसमें आपका लेजी लोड का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेजी लोड बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, जिसमें यूजर के रिक्वेस्ट पर पेज
के कंटेंट लोड होते हैं, राइट? कि सारे कंटेंट एक ही साथ लोड नहीं होते, आप यूजर के रिक्वेस्ट पर अपने आप लोड होते रहते हैं। तो ये एंगुलर राउटर का ही ब्यूटी है, लेजी लोडिंग का कंसेप्ट, राइट? तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर इंड करते हैं। आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ राउटर वर्क्स। दोस्तों इस राउटर बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है, अगर इसी को कंटिन्यू करूंगा तो वीडियो लंबा खींच जाएगा, इसलिए हम इसको यहीं इंड करेंगे और अगले वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ राउटर वर्क्स, राउटर वर्क कैसे करता है, वो भी बहुत ही कंसेप्चुअल वीडियो होगा, उसको आप अच्छे से देखिए। और इस वीडियो में जो भी कंटेंट है आप उसको अच्छे से राइट कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पर्पज के लिए भी और आपके कंसेप्ट के लिए भी, क्योंकि ये सारे कंसेप्ट जब हम एडवांस में प्रैक्टिकल करने लगेंगे, कोडिंग कर लेंगे, तो ये कंसेप्ट आपको वहां पर रिमाइंड करना होगा, राइट? तो दोस्तों चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में कि राउटर वर्क कैसे करता है, एक एक पार्ट, एक एक पार्ट को देखेंगे किस किस तरीके से वर्क करता है। अगर आप बेहतर तरीके से बिल्कुल कॉर्पोरेट लेवल का नॉलेज लेना चाहते हैं, कॉर्पोरेट लेवल का ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग भी, जिसमें हम एंगुलर से रिलेटेड सारे टॉपिक को कवर करते हैं। मतलब कि एंगुलर 9 का भी बैच स्टार्ट हो चुका है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि हम इंटायर एंगुलर 9 को चैप्टर वाइज बिल्कुल ही डिटेल्स में कॉर्पोरेट लेवल में आपको प्रोवाइड कराएंगे ट्रेनिंग, जो कि ऑनलाइन होगा, घर बैठे कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल लाइव सेशन चलेगा। इसके अलावा हम एक लाइव प्रोजेक्ट पर भी ट्रेनिंग देंगे, जिसमें कि हम एक बहुत ही बड़ा एप्लीकेशन जो कि ई कॉमर्स बेस्ड होगा उसको हम डेवलप करके सिखाएंगे, जिसको लाइव करके सिखाएंगे, जिसमें दो प्रोजेक्ट होंगे, एक एडमिन पैनल होगा और एक आपका फ्रंट एंड होगा जहाँ से लोग परचेज करते हैं, और एक एडमिन पैनल होगा जहाँ से प्रोडक्ट लिस्टिंग की जाती है, जैसे कि सेलर बनाए जाते हैं, एडमिन बनते हैं, प्रोडक्ट हम अपलोड करते हैं और ब्रांड अपलोड करते हैं, सारी चीज़ों के लिए। मतलब कि दो प्रोजेक्ट पर आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा और बहुत ही बड़ा एप्लीकेशन होगा, जिसमें कि सारे कंसेप्ट यूज किए जाते हैं, मतलब कि सारे कंसेप्ट यूज किए जाएंगे। मतलब एंगुलर से रिलेटेड जितने कंसेप्ट होते हैं जो कि एक एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए किए जाते हैं, क्योंकि इस ट्रेनिंग में हम आपको पूरा एंगुलर 9 और उसके अलावा टाइप स्क्रिप्ट, RxJS लाइब्रेरी और 2 से लेकर 8 तक के भी सारे कंसेप्ट को बताया जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से 9 में ट्रेनिंग लेने के बाद किसी कंपनी में जाते हैं तो आपको 9 में ही काम मिल जाएगा, हो सकता है कि आपको 5 में 6 में मिल जाए। इसलिए हमारा ये मोटिव होता है कि आपके सारे कंसेप्ट आपको बताया जाए, ताकि आप कहीं भी जाएँ तो आपको काम करने में दिक्कत ना हो। और भी वो भी सारे चीज़ें हम कॉर्पोरेट लेवल के बताएंगे, जिस तरीके से आपको कंपनी में काम करने को मिलता है।